अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहु। तमाम शहरियान कोलार को ईद उल फितर की मुबारक हो। ईद उल फितर मुबारक हो। अंजुमन इस्लामिया की तरफ से तमाम अंजुमन इस्लामिया के जिम्मेदारान और अराकिन की तरफ से शहर कोलार के तमाम मुसलमानों को ईद उल फितर मुबारक हो। अल्लाह का फजलो करम हुआ, अल्लाह का रहम हुआ, अल्लाह ताला ने इस साल ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा करने की तौफीक अता फरमाई। दो साल से कोविड की वजह से ईद की नमाज़ ईदगाह में अदा ना हो पाई। इस साल अल्लाह ताला इस मौके को दिया है। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए तमाम शहरियान कोलार से ये गुजारिश है, वक्त मुकर्रा पर नमाज को पहुंच जाएं और ईद की नमाज बआसानी अदा करें। दो हसब मामूल कोलार शहर में दो जगह ईद की नमाज रखी गई है। पहली नमाज मौला खाजा में 9:30 बजे ईद की नमाज अदा होगी। वहां पर मौलाना मौलवी खलीलुर रहमान रशादी साहब, खतीब व इमाम मस्जिद बिलाल खाकिशा मोहल्ला खुतबा देंगे और नमाज अदा करेंगे। दूसरी नमाज ईदगाह शाही 10:30 बजे अदा होगी। यहाँ पर मौलाना मौलवी सद्दाम हुसैन साहब मस्जिद अमीन खतीब व इमाम नमाज पढ़ाएंगे और खुतबा देंगे। धूप की शिद्दत है, बराए मेहरबानी वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए वक्त मुकर्रा पर नमाज को पहुंच जाएं और 10:30 बजे नमाज का वक्त है, वो वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए नमाज को पहुंच जाएं। आयन नवाजिश होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहर ने कुलार को इतला हो कि हसब मामूल इस बार ईदगाहों में नमाज होगी। दो साल से कोविड की वजह नमाज नहीं हुई, ये साल अल्लाह का शुक्र है ईदगाहों में नमाज होगी। आप तमाम से गुजारिश है कि वक्त मुकर्रा पर हाजिर होकर अपनी नमाज अदा करें। नमाज की हिलाल कमेटी से नमाज की तारीख दी गई है 3 मई 2020 को। इस तारीख का ख्याल रखते हुए नमाज ईदगाहों में पहुँच कर अपनी नमाज अदा करें। शुक्रिया।